स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज का नया अपडेट में आपको तमोरिया रेलवे स्टेशन का अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पे क्या प्रोग्रेस है इस वीडियो में आपको यही अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पे साइड में प्लेटफार्म 3 के साइड में यहाँ पे रैक पॉइंट बनाया जा रहा है और एक रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगा, जो कि इस स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं होगा। इनके लिए यहाँ पर नया ट्रैक बिछाया जाएगा, जो कि इनका लाइन जो है वो सीधा होगा। आने वाले दिनों में जो एक्सप्रेस ट्रेन होगा उनका लाइन सीधा होगा। यहाँ पे अगर उनका हॉल्ट है तो यहाँ पे रुकेगा, नहीं तो इस स्टेशन पे नहीं रुकेगा। उनके लिए सीधा लाइन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ महीने पहले जो है RCC आए थे और बोल रहा था कि यहाँ पे प्लेटफार्म 2 को तोड़ कर हटा दिया जाएगा, लेकिन प्लेटफार्म को तोड़ा नहीं जाएगा। उनके साइड में नया पटरी बिछाया जा रहा है और यहाँ का ट्रेन का टाइम टेबल जो है लहरिया सराय जाने के लिए तमोरिया रेलवे स्टेशन से सुबह 8:11 में ट्रेन मिल जाता है और लहरिया सराय जाने के लिए दिन के 2:03 में ट्रेन मिल जाता है और रात को 9:58 में ट्रेन मिल जाता है। यानी कि 10 बजे ट्रेन मिल जाता है लहरिया सराय जाने के लिए तमोरिया रेलवे स्टेशन से। और सहरसा जाने के लिए भी यहां से 3 टाइम ट्रेन मिल जाता है। सहरसा जाने के लिए सुबह 7:25 में मिल जाता है और दिन के 2:06 में ट्रेन मिल जाता है और रात को 10:02 में ट्रेन मिल जाता है सहरसा जाने के लिए। और यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाते बनाते गहरी नींद में सो गया है और यहाँ पे असफल रहा है ओवर ब्रिज बनाने के लिए। काफ़ी लोग जो है ट्रैक पार करके प्लेटफार्म 2 पे जा रहा है। जैसा ही यहाँ पे ट्रेन आता है लोग इस पार से उस पार, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पे जाना शुरू हो जाता है। और काफ़ी खतरे वाली बात है, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाते बनाते भूल गया है और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल यही है कि दुर्घटना हो जाता है इसके बाद ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, क्या लाभ मिलेगा यहाँ पे ट्रेन से। यही अपडेट है तमोरिया रेलवे स्टेशन का। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट।